हारूनाबाद ने सेवरेज सिस्टम बोसीदा और नकारा होने और म्यूनसिपल इंतजाम की गफलत के बाइस शहर के गली मोहल्ले जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर गए। इलाका मकीनों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। इलाका मकीन म्यूनसिपल इंतजाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। हारूनाबाद म्यूनसिपल कमेटी की गफलत और सुस्ती के बाइस शहर फ्लैट टेपू बन गया। इलाका मकीनों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का अंदेशा। इंतजाम ने चुप साध ली। शहर गली मोहल्ला में सेवरेज के गटर उभरने लगे। म्यूनसिपल कमेटी के अमला ने सारा मलबा सियासतदानों पर डाल दिया। जदीद मशीनरी ना होने के बाइस शहर में सेवरेज सिस्टम की खराबी के मसाइल जन्म ले रहे हैं। म्यूनसिपल इंतजाम का मौकफ तफसीलात के मुताबिक कदीम बोसीदा और आबादी की नस्बत नाकाफी सेवरेज सिस्टम ने हारूनाबाद के शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर की आबादी कई गुना बढ़ और बुनियादी शहर के इर्द गिर्द बेशुमार नई रिहायशी कॉलोनियां कायम हो चुकी हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के सेवरेज जरूरियात को पूरा करने के लिए जदीद और वसी तर कुशादा सेवरेज सिस्टम नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से बोसीदा नकारा और छोटे पाइपलाइनों में इतनी बड़ी आबादी का इस्तेमाल शुदा पानी की निकासी आप मुमकिन नहीं है। सिस्टम कमिश्नर हारूनाबाद से और बल्दिया से हमने 12 एप्लीकेशन दी है। उन्हें जाके जुबानी भी कहा है कि हमारी गली का कोई हल करें, वो कोई दिलचस्पी नहीं लेते। हमारी अपील है DC साहब से और कमिश्नर बहावलपुर से कि हमारी गली का कोई हल करें। इधर खवातीन और बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, हम सब घर में बंद होकर बैठे हैं। इतनी बदबू है कि बंदे की तबीयत खराब हो जाती है। मच्छर ही मच्छर हो गए हैं, डेंगू का खतरा है इस गली में। गुजरने के लिए दिक्कत महसूस करते हैं और डेली आते जाते हैं। बच्चों के कपड़े खराब होते हैं यहाँ पे, सुबह कोई बच्चे यहाँ पे गिरे भी हैं 2-4। उनके अलावा भी यहाँ पे गोश्त लेने के लिए भी हम आते हैं। ये बदबू वगैरह स्मेल हमें बहुत नुकसान पहुँचा रही है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं।